आज का यूजफुल किचन टिप्स देखने के बाद आपके घर और किचन के काम इतने आसान और बेहतर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप्स हमारी चाउमीन को लेकर के है। चाउमीन को उबालते समय हम इसमें कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे हमारी चाउमीन एकदम खिली खिली होगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करें तो हम अपने खाने में जो है कि स्वाद ला सकते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई लिया है और उसमें हमने पानी को डाल दिया है। अब पानी जैसे ही उबाल आएगा तो फिर इसमें हम जो डालने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए हमारा पानी उबल रहा है। अब उबलते हुए पानी में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ एक चम्मच ऑयल लिया है, इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे और फिर इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपको एकदम उबलते पानी में जो है कि चाउमीन को डालना है। अब देखिए हमारे पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ रहे हैं और जब इसमें अच्छे से उबाल आने लगे तो आप इसमें चाउमीन को डाल दीजिए। कभी आप ठंडे पानी में चाउमीन को मत डालिएगा। अब देखिए अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि सॉफ्ट नहीं हो जाती। अभी देखिए हमारी चाउमीन उबल गई है। मैं आपको इस तरह से, आप इस तरह से चेक कर लीजिए, देखिए हमारी चाउमीन उबल गई है। अब इसे हम छान लेंगे और छानने के बाद एक और भी काम आपको करना है, वो बहुत ही खास है। इसे छानने के बाद आपको जो है ठंडा पानी से इसे अच्छे से धो लेना है। तो इस तरह से छान करके आपको धो लेना है, जो भी इसमें एक्स्ट्रा माड़ होगा ना वो बिल्कुल निकल जाएगा और आप जब अब चाउमीन बनाओगे तो बिल्कुल खिली खिली सी चाउमीन आपकी बन करके तैयार होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी इस तरबूज को लेकर के। हमारे यहाँ इसे तरबूज के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो है हीरनामा के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि चीज़ एक ही है लेकिन जगह जगह इसके नाम अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरबूज को जो है कि चाकू के मदद से अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे। हमने इसे कट करके तैयार कर लिया है। आधा हम क्या करेंगे, इसे स्टोर करके रखेंगे और आधा हम पूरे परिवार जो है मिल बांट करके इसे खा लेंगे। तो हम इसे जो है कि स्टोर करके रखने वाले कैसे हैं वो भी दिखाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए अगर आपको स्टोर करके रखना है, अगर हम इस तरह से फ्रिज में रख देते हैं तो ये जो ऊपर वाली परतें हैं ना बिल्कुल गल जाती हैं। तो यहाँ आपको मैं कुछ ट्रिक बताने वाली हूँ, उस ट्रिक से अगर आप रखोगे ना तो आपके तरबूज बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक प्लेट ले ली है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से प्लेट को लगा लेंगे और हम जो है तरबूज को इस तरह से उल्टा कर लेंगे। इस तरह से जी हम फ्रिज में इसे रख सकते हैं। अब दूसरा तरीका और क्या है, मैं आपको दूसरा वाला बता देती हूँ। यहाँ हमने सिल्वर पेपर ले लिया है और सिल्वर पेपर से हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे। अब इस तरह से आप कवर कर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाले हैं। जब भी आपको चाहिए खाना है तो आप इसे हटा दीजिए और काट करके खा लीजिए। इस तरह से आप 4-5 दिन तक अपने फ्रिज में रख करके आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमें इसे कट करके कैसे खाना है। अब हम इसे बीच में से इस तरह से जो है कि कट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती होगी तो दोस्तों फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बीच से आपको पूरा नीचे तक नहीं काटना है, सिर्फ हल्का सा आपको जो है कि इस तरह से कट करना है और ऐसे कट कर लेते हैं, ऐसे कट कर लेते हैं, फिर इसके बीच से हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब इस तरह से कट करने के बाद इस तरह से आप उठा लीजिए, आपको खाना है तो भी, बच्चों को खाना तो भी। अब इस तरह से आप एक टुथपेस्ट ले लीजिए और इस तरह से जो है उठा उठा के आप खा सकते हो। ये देखिए आपको कोई भी प्लेट की दूसरी की ज़रूरत नहीं है, हाथ में इस तरह से ले लीजिए और इस तरह से उठा उठा के खाइए। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
अगली टिप्स हमारी इस सब्जी को लेकर के है। सब्जी हो, दाल हो, चावल हो या रोटी हो, अक्सर क्या होता है कि जब हम फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज में रखने के बाद जब काफ़ी लंबे समय तक जब लाइट चली जाती है तो हमारी फ्रिज जो भी गर्म हो जाती है, ऐसे में कोई भी खाना रखने पर हमारे जो है कि खाने ख़राब हो जाते हैं। तो इस वक्त हम क्या करें कि जब लाइट चली जाए और हमारे जो बचे हुए खाने हैं उसे हम किस तरह से जो है कि ख़राब होने से बचा सकते हैं। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है जो है कि यहाँ पानी ले लेना है। यहाँ मैंने जो है कि इतना पानी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस सब्जी को इसके अंदर इस तरह से डाल करके रख देंगे और फिर इसके बाद आप इसका ढक्कन लगा दीजिए और इस तरह से रख दीजिए। आपकी जो भी बची हुई दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, इस तरह से ये ख़राब नहीं होंगे, बच जाएंगे। इस समय गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में लाइट बहुत ही कट रही है, कभी कभी तो सारा दिन गायब हो जाती है, तो अक्सर जो है कि हमारी फ्रिज गर्म हो जाती है। तो इस तरह से हम ढक करके और पानी में रख करके हम अपने खाने को बचा सकते हैं और इस तरह से रखने पर जो है कि हमारे खाने ख़राब भी नहीं होंगे। तो आप यहाँ जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध है तो दूध को हम तो 3 से 4 बार जो है कि उसे गर्म करके उस दूध को हम फटने से बचा सकते हैं, लेकिन खाने को तो बार बार हम गर्म नहीं कर सकते ना। तो यहाँ जो है कि जब भी लाइट चली जाए तो आप जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली जो है टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारे इस जार को लेकर के हैं। अक्सर जार को यूज करते करते आपने देखा होगा कि हमारे जार कितने गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं आपको पीछे की साइड से दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये कितने गंदे हो गए हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, इसमें हाथ डालते हैं ना, तो ये अच्छे से जो है कि क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो हम इसे क्लीन कैसे करें, एक छोटी सी टिप्स ले आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपको बस कुछ भी नहीं करना है। यहाँ हमने क्या किया है, एक चाकू ले लिया है और यहाँ हमने एक कपड़े ले लिए हैं। इस तरह से आप कोई भी कपड़े का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस चाकू में जो है कि इस तरह से हम कपड़े को यानी कि इसे इस तरह से लपेट लेंगे। ये देखिए, यह हमने इस तरह से लपेट लिया है। अब इस तरह से आप बना लीजिए और इसे क्लीन कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे जगह हैं जो है कि हमारे हाथ नहीं पहुंचते हैं, तो हम यहाँ इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम अपने काम को आसान बना देते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी न किसी ट्रिक का हम इस्तेमाल करें तो हमारे काम आसान और बेहतर बन जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको क्लीन कर लेना है और इसको मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितनी गंदगी इसमें है। तो इस तरह से आप इसे क्लीन कीजिए। तो ये देखिए, मैं इसे क्लीन करके दिखा रही हूँ, पीछे भी और इसके जो है कि नीचे भी, ये कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। जहाँ आपके हाथ नहीं पहुँचते हैं ना, तो इस तरह से जो है इसकी मदद से आप इस तरह से क्लीन कर लीजिए और बहुत ही अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप चाहें तो अपने जार की सफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप अच्छी लगी होगी। तो इन सारे टिप्स में से आपको कौन से टिप्स अच्छे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।